तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर आ रही है, जिसकी डिमांड हरदम आती थी कि सर आप कैसे ओटीसी में इतनी ट्रेडें विन कर लेते हो और हम पता नहीं कैसे लॉस करते हैं ओटीसी में। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी लॉस होती है या हम ओवरऑल डे एंड हम लॉस में ही करते हैं। तो देखो गाइस आज की वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ में मैंने आज आपको पहले ही बता दिया था कि आज मैं बताऊँगा कि क्यों आप लॉस करते हो ओटीसी में, क्या रीज़न है, और साथ ही कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो और कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हो, और कैसे मैं एक मिनट की ट्रेड लेता हूँ और दो मिनट की ट्रेड लेता हूँ, तो वो भी चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अभी लाइक कर दो और चैनल को जितने भी नए बंदे देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस ऐसी स्ट्रेटजीज हम डालते रहते हैं, साथ ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंटेंट आपके लिए आते रहते हैं। सबसे पहले इसी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जितने भी नए बंदे देख रहे हैं। और जो भी बंदे मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, साथ ही आपको वहाँ पर सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पर, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो जैसे कि मैंने बताया आपको वन मिनट ट्रिक के ऊपर करने वाले हैं, और आपको मैं बताऊँगा कि कैसा वन मिनट की ट्रेड ले सकते हो और कैसा विन कर सकते हो। तो रेडी हो जाओ गाइस आज की वीडियो के लिए, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस चलो कोई भी ओटीसी मार्केट ढूंढते हैं, देखते हैं कंडीशंस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं पहले यूके ब्रांड चेक करता हूँ, तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है और रिवर्सल होगा यहाँ से, बट ओटीसी है तो ये ट्रिक तो मतलब कोई मतलब जानते हो प्राइस एक्शन ओटीसी में तो वर्क नहीं करता है। तो दूसरा कोई मार्केट ढूंढते हैं गाइस, ये मार्केट में तो ट्रेड करने लायक है नहीं। तो देखते हैं यूएस क्रूड का मार्केट देखते हैं। तो यहाँ पे हमने यूएस क्रूड देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ये रहा ना सिलेक्ट, ये ना आई थिंक नहीं नहीं यूएस क्रूड है ना। तो गाइस यहाँ पे देखो ये मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जिस तरह से फ्लो दिख रहा है वो हमें क्लियरली पता चलेगा अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट को। तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अच्छा खासा डाउन में जाएगा अब ये मार्केट। एक बार ग्राफ को मैं दो मिनट पर सेलेक्ट करके देखता हूँ। तो ठीक है मार्केट यहाँ से मतलब गिरने वाला है, तो यहाँ पे तीन मिनट पे भी देखते हैं। तो गाइस देखो अब आपको देखो यहाँ पे अब आपको देखो करना क्या है। अब अगर आप ध्यान से अपनी स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है तीन मिनट मार्केट में, मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है और आई थिंक यहाँ से अच्छे खासे लेवल पर डाउन भी आएगा। तो देखो गाइस ओटीसी में आप लोग देखो लॉस क्यों करते हो, तो देखो ओटीसी में लॉस करने का एक सिंपल सा रीज़न रहता है। क्या कोई भी बंदा होता है ना वो कभी भी मतलब ना उसकी ना एक साइकोलॉजी होती है, मतलब वो क्या करता है ना वो जब भी देखता है ना पांच छह कैंडल्स डाउन की बनी वो क्या करता है वो हमेशा ना रिवर्स में ट्रेड लेता है। ठीक है वो जैसे अभी आप यहाँ पे कंडीशन देख रहे होगे, ये देखो आपकी जो पांच कैंडल है कंटिन्यूस रेड बनी है। अब यहाँ पे कोई भी नॉर्मल बंदा होगा ना उसके माइंड में ये आएगी अगर ये वाली कैंडल रेड बन गई तो वो सीधा क्या करेगा वो अब के लिए ट्रेड लेगा। क्यों उसको लगेगा क्योंकि नीचे उसको एक सपोर्ट लेवल भी दिख जाएगा और उसको लगेगा कि पाँच छः कैंडल्स भी रेड है तो वो क्या करेगा सिंपल से अब की ट्रेड ले लेगा अपोजिट ट्रेंड में। तो यही चीज जो होती है ना सबसे बड़ी गलती होती है गाइस। कभी भी ना मतलब एक चीज याद रखो आपको ओटीसी में ना रिवर्सल पे ट्रेड नहीं लेनी है और आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेनी है। और जिस दिन आपने ये दोनों चीज़ करनी छोड़ दी उस दिन के बाद से आप ओटीसी में प्रॉफिट ही करोगे। तो मैंने जैसा बताया आपको देखो अगर आपको प्रॉफिट करना है तो गाइस रिवर्सल पे ट्रेड लेना छोड़ दो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो ओटीसी में ट्रेड लेना छोड़ दो, बिकॉज ओटीसी में कोई भी रिवर्सल पॉइंट किसी काम का नहीं है। ठीक है आपको सिंपली ट्रेड लेनी है ट्रेंड में, आपको एक अच्छा सा ट्रेंड लेके आना है, आपको बस एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है और उस ट्रेंड में आपको ट्रेड लेनी है। सेम ट्रेंड में तीन मिनट के कैंडल पे लो चाहे एक मिनट के कैंडल पे लो। अब देखो मैं आपको एक ना ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही हार्ड ट्रिक बता रहा हूँ ओटीसी की, आप लोग इसको यूज़ करके देखो 100% प्रॉफिटेबल ट्रिक है। तीन मिनट ग्राफ पे भी वर्क करेगी, दो मिनट पे भी करेगी, एक मिनट पे भी करेगी। देखो आपको करना क्या है आपकी जैसी अगर आपकी मतलब पिछली तीन या चार कैंडल कंटिन्यूसली रेड हो ठीक है या फिर कंटिन्यूसली ग्रीन हो, पहले हम रेड का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तीन चार कैंडल कंटिन्यूसली डाउन बनी है और अगर जैसे देखो अपन कि अगर ये प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन डोजी हो गई ना तो अपन क्या करेंगे अपन यहाँ से जो नेक्स्ट ट्रेड है ना वो डाउन के लिए लेंगे। ठीक है तो अब देखो यहाँ पे अपनी प्रेजेंट कैंडल देखो ग्रीन डोजी हुई है, हम यहाँ पे तीन मिनट के लिए ट्रेड लेंगे। थोड़ा सा लेट एंड ले रहा हूँ मैं एंट्री,
वीडियो बनाने के चक्कर में इसलिए मिस हो जाती है सेंट्री। चलो तो देखो गाइस, हमने यहाँ पे देखो एक ट्रेड ले ली, 3 मिनट के लिए डाउन ट्रेड ली। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे डाउन ट्रेड क्यों ली, ये एक बहुत बढ़िया ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली बस ढूंढना है मार्केट जहाँ पे मतलब पिछली 3-4 कैंडल डाउन की हो, ठीक है, और जैसी ग्रीन डोजी बने देन आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। आप बहुत अच्छी खास ट्रेड विन करोगे। तो यहाँ पे देखो गाइस, अगर आप देख रहे होगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज जो अपनी रैंक है वो अभी मतलब रैंक वन है। हमने आज की डेट में मतलब ये जो प्रॉफिट $21,000 का किया है ये सिर्फ और सिर्फ OTC से ही किया है गाइस। तो ये प्रॉफिट आज का हमारा था और आज हम लीडर बोर्ड पे भी हैं। तो गाइस इसी मैंने ट्रिक कई सारी ट्रिक OTC के पे किया था। तो जैसा कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं आप अगर उसको प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप भी मतलब ऐसा प्रॉफिट बुक कर सकते हो और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके अपना लॉस जो है वो रिकवर कर सकते हो। तो देखो गाइस यहाँ पे तो भी अपनी ट्रेड मतलब डीप लॉस चल रही है, बट वेट करो, जैसा कि मैंने बताया OTC है, इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, आएगा डाउन। देखो आप वेट करो, आराम से हम भी वेट करते हैं, यहाँ पे आराम से मार्केट डाउन आना चाहिए, क्योंकि मैं मतलब इस OTC पे ही ट्रेड करता हूँ। एक ही मार्केट है जिस पे मैं नज़र रहती है, OTC मार्केट, तो मैं पूरा उसको जानता हूँ, एनालाइजिंग करता हूँ तो पूरा पता है। तो एक गाइस ये कैंडल आएगा, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि OTC मार्केट है, फ्लक्चुएशन पीक पे रहती है हमेशा, कभी भी कोई भी ट्रेड विन से लॉस में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड विन नहीं है, कोई भी ट्रेड लॉस नहीं है। तो यहाँ पे देखो गाइस अभी 1.25 मिनट बाकी है, अब देखो ट्रेड अपने फेवर में चलने लगी है। अब अपनी देखो, अब जो ट्रेड डीप लॉस चल रही थी वो डीप विन चल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखो स्ट्रैटेजी मैंने जो बताई ना गाइज आपको, बहुत ही बढ़िया वर्किंग है। आपको सिंपली करना है कि आपको 3-4 कैंडल के बाद जब भी ग्रीन डोजी बने, ठीक है, कंटिन्यूस ट्रेंड के बाद अगर ग्रीन डोजी बने, ठीक है, तो आपको उसके अगेंस्ट में ट्रेड ले लेनी है। मतलब जैसे कि मैंने किया गाइज, जैसे कि मैंने देखा 3-4 कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूस रेड बनी है, उसके बाद ग्रीन डोजी बनी, तो मैंने सिंपली यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले ली, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा। अब देखो इन केस ग्रीन में आपको क्या करना है, अगर 3-4 कैंडल ग्रीन की बनी हुई हो उसके बाद रेड डोजी बने, देन आपको नेक्स्ट ट्रेड अप के लिए लेनी है सेम वे में, मतलब सेम इसका अपोजिट करना है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो यही चीज़ करनी है। तो गाइज देखो यहाँ पे भी अपनी ट्रेड विनिंग में चल रही है, 30 सेकंड्स बाकी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गाइज, आपको सिंपली करना क्या है ना, आपको पहले आपने एक कंटिन्यूस ट्रेंड ढूंढ लिया, अब उसके बाद आपके अगेंस्ट द ट्रेंड में कोई भी एक डोजी बनेगी तो आपको सिंपली उसके बाद कंटिन्यूस मतलब ट्रेंड में ही ट्रेड ले लेनी है। मतलब अगर डाउन चल रहा है तो डाउन की, अब चल रहा है तो अब की। ये बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली मैं इससे बहुत प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, अभी भी मैंने किया है, और आज मैं IDC से जितने विड्रॉल प्रूफ करूँगा वो भी डाल दूंगा। कल भी मैंने एक विड्रॉ किया था गाइज, जो कि मैंने शायद से चैनल में डाला था, बट मैं उसका डाल नहीं पाया ऐसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाम में बिजी हो गया था, बट आज आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे देखो गाइज अपनी ट्रेड विन हो चुकी है, तो 3 सेकंड थोड़ी सी हमने लेट ली थी, बट यहाँ पे देखो विन हो चुकी है अपनी ट्रेड। तो यही चीज़ गाइज मैं आपको बता रहा था, ऐसे ही आपको इसको यूज़ करना है। तो चलो मैं आपको ना एक अप के लिए भी ट्रेड लेके दिखाता हूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने खोल लिया, यहाँ पे US क्रूड खोला हुआ। तो गाइस जैसा कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पीछे भी दिखा, देखो देखो सेम मैंने जैसी कंडीशन आपको बताई थी, 3 या 4 ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी बनी, उसके बाद आपको सीधा अप लेना था। तो पीछे भी अगर आप कंडीशन देखोगे तो आप क्लियर लेते तो आप विन करते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं ट्रेड लेने की, अगर ये कैंडल डोजी बनती है तो मैं इसके बाद लूँगा। तो यहाँ पे 2 कैंडल के बाद मैं ले रहा हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी ट्रेड लेनी है तो आपको ध्यान रख के लेना है कि मतलब आप जब भी ट्रेड ले तो पीछे की जो 2-3 कैंडल हो वो हो मतलब ग्रीन हो, या अगर आप ले रहे हो डाउन के लिए तो रेड हो, तो ये चीज़ देख के लेना आप। यहाँ पे मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करी हुई है, तो मुझे मार्केट के बिहेवियर के बारे में पता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड्स लिए हैं। तो आपको क्या करना है ना गाइस, आपको सिंपली जैसा कि पीछे आप कंडीशन देखोगे तो आपको दिखेगा, तो आपको सेम वही चीज़ करनी है। जब भी मतलब 3-4 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड डोजी बन जाए ना, देन आपको सिंपली आपको अप के लिए ट्रेड लेनी है नेक्स्ट कैंडल, और डाउन के केस में मैं बता ही चुका हूँ पीछे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने 2 के बाद ही ले लिया, बट देखो यहाँ पे मेरी डीप विन चल रही है, जैसा कि मैंने बताया आपको। आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे ले सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत लेना। तो यहाँ पे देखो आराम से अपनी ट्रेड विन चल रही है, 10 सेकंड बाकी है, ये भी डीप विन है अपनी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ईजिली हम विन कर चुके हैं। तो
तो ये स्ट्रैटेजी गाइस मैंने आपको बताई कि आप लोग भी इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सको। और रीज़न मैंने बताया गाइस, कभी भी ओटीसी में आप लोग बिल्कुल भी रिवर्सल पे ट्रेड मत करना और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मत लेना, आप हमेशा लॉस करोगे। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, आपको अगेंस्ट द ट्रेंड और जैसा कि मैंने बता दिया आपको रिवर्सल पे ट्रेड नहीं लेनी है। और रही बात गिव अवे की, तो गाइस गिव अवे के बारे में आज मैं टेलीग्राम पे अनाउंस करूँगा, तो वहाँ पे देख लेना फटाफट से, तो आज टेलीग्राम पे आ जाएगा, तो वहीं पे एक्टिव रहना। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।